हेलो हाय नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जैसे कि आप सभी को पता है थियोरटिकल अप्रोचेस इन साइकोलॉजी हम कर रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी सारे साइकोलॉजिस्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है आप जाके देख सकते हैं आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी जिसमें हम बेसिकली तीन लोगों के बारे में बात करेंगे कोहलर कॉफका एंड द फाउंडर वरदायमर So, what is Gestalt psychology? Gestalt psychology is a school of thought that looks at the human mind and behavior as a whole. Gestalt psychology is a school of thought, looks jo human mind and behavior. को टुकड़ों में नहीं एज अ होल देखता है ठीक है वेन वी ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस गेस्ट्रोल साइकोलॉजी सजेस्ट डेट वी डू नॉट सिंपली फोकस ऑन एवरी स्मॉल कंपोनेंट जब हम इस दुनिया को देखते हैं ठीक है तब हम स्मॉल स्मॉल कॉम्पोनेट्स पर नहीं देखते बल्कि एज अ होल देखते हैं इन स्ट्रीट अवर माइंड टेंट टू परसीव ऑब्जेक्ट्स एज एलिमेंट्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स गेस्टोल्ट मीनिंग ठीक है गेस्टोल्ट का मतलब क्या होता है इस वर्ड का ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मद, जिसका मीन होता है कॉन्फिग्रेशन और द वे और द वे थिंग्स आर पुट टूगेदर टू फॉर्म अ होल ऑब्जेक्ट द कोर द कोर बिलीव इन गेस्टॉल साइकोलॉजी होल इजम एज होल ठीक है और दैट द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स जो भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सबसे ज्यादा ही होगा जब हम उसको एक एक साथ एकग्रित करके एक एज अ होल देखेंगे ठीक so है सो द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स ये गेस्ट्रोल साइकोलॉजी का मेन कॉन्सेप्ट है ठीक है आई होप आपको समझ में आया हो नाउ हु फाउंडेड गेस्ट्रोल साइकोलॉजी गेस्ट्रोल साइकोलॉजी वॉज फाउंडेड बाय मैक्स वर दायमर अक्सुवाक्यन साइकोलॉजिस्ट हु ऑल्सो डेवलप अ लाई डिटेक्शन डिवाइस टू ऑब्जेक्टिवली स्टडी कोर्टरूम टेस्टिवनी आजकल आपने बहुत सुना होगा ये वाला टर्म लाइट डिटेक्शन डिवाइस यूज करते हैं सच जानने के लिए ठीक है इन कोटरूम्स सो ये किसने दिया था ये मैक्स व डायमंड नहीं दिया था जो कि फाउंडर है गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी के ठीक है और को फाउंडर दो इनके साथ को फाउंडर हैं वो है वोल्वगैम कोलर एंड कर्ट कॉफ का गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का हम अगर हिस्ट्री देखें वेल द फॉलोअर्स ऑफ स्ट्रक्चुअलिज्म वर इंटरेस्टेड इन ब्रेकिंग डाउन साइकोलॉजिकल मैटर्स इन टू सिंपलेस पॉसिबल पार्ट गेस्टॉल साइकोलॉजी ने क्या किया उन्होंने बोला कि जैसे स्ट्रक्चुअलिज्म वाले बोल रहे हैं कि आप जो कॉन्शियस है या जो भी साइकोलॉजिकल मैटर है उसको स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट में डिवाइड कर दो तोड़ दो ठीक है ब्रेक डाउन करके पढ़ो ये कह रहे हैं कि नहीं एकदम उल्टा करो जो भी टोटेलिटी ऑफ माइंड और बिहेवियर है इनकी टोटैलिटी पढ़ो ठीक है एज अ होल पढ़ो सबको तोड़ के मत पढ़ो गाइडेड बाई द प्रिंसिपल ऑफ होलिज्म इन्होंने दिया द फाइव फिनोमिना आपने काफी बार दिवाली लाइट्स में देखा होगा ऐसा लगता है कि लाइट्स गिर रही हैं या चल रही हैं या मूव कर रही है कोई मूवमेंट बट एक्चुअली में वो मूवमेंट नहीं हो रहा होता है वो एक पर्टिकुलर जो एक लाइट का जो पार्ट होता है वो पहले जलता है फिर बंद होता है फिर दूसरा जलता है फिर बनता है फिर दूसरा ऐसा नहीं है कि वो एक ही चल रहा है एक सीरीज में ठीक है वो एक बार बंद खुल बंद खुल ऑन ऑफ़ ऑन ऑफ ठीक है लाइट जलती है बंद होती है जिसको हम जो हमें एक साथ दिखते हैं और ऐसा लगता है कि वो ऐसा कुछ चल रहा है दैट इज कॉल्ड फाइव फिनोमिना द फाइव फिनोमिना इज इन ऑप्टिकल इूजन लाइक दिस जैसे कि आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा होगा कि एक ही पॉइंट है ठीक है एक ही डॉट है जो चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी पॉइंट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है एट ऑल वो अपनी जगह पर ही ऑन ऑफ ठीक है कलर चेंज हो रहा है उसका एक एक करके साइमेंटेसली पहले एक का दूसरे का फिर तीसरे का और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है क्योंकि ये बहुत जल्दी हो रहा है हमें ऐसा लग रहा है कि वो एक ही पॉइंट है एक ही बॉल बॉल है ठीक है एक ही डॉट है जो चल रहा है हमें ये मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है बल्कि ऐसा है नहीं इसी को बोलते हैं द फाइव फिनमिना लाइक यू कैन सी हियर इट्स एंड ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फाइव फिनोमिना लाइक आप खुद दिख रहा होगा ये भी ये कोई भी पॉइंट कोई भी अपने जगह से हिल भी नहीं रही है एट ऑल बट ये आपको मूवमेंट करते हुए दिखाई देगी इसी को बोलते हैं दि फाइव दी दाइव फिनोमिना इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन वेयर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स

इन्होंने क्या किया ये जो भी इनका एप्लीकेशन था वो एनिमल पे उतारा एनिमल जैसे कहाँ पे इन्होंने स्टडी किया आर्गुइंग द ऑर्गेनिक फिनिना आर एग्जाम्पल्स ऑफ एट वर्क ही ऑल्सो स्टडीज हियरिंग एंड लुकड एट द प्रॉब्लम सॉल्विंग एप ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन चिम्पाजीज इन्होंने एक इनसाइड लर्निंग का ठीक है थ्योरी दी थी इसमें उन्होंने सुल्तान नाम के चिम्पाजी पे स्टडी किया था ठीक है उसको भी आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे अब देखते हैं कर्ट कोफ्ता कर्ट कोफ्ता जी ने क्या किया था टुगेदर विथ वर्दाइमर एंड कोलर कोफ्ता इज कंसिडर्ड द को फाउंडर ऑफ द ठीक है वन ऑफ द फाउंडर ऑफ दिस फील्ड ही अप्लाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ गेस्टॉल्ट टू चाइल्ड साइकोलॉजी ठीक है इन्होंने गेस्टॉल्ट को चाइल्ड साइकोलॉजी में उतारा और उन्होंने चाइल्ड साइकोलॉजी को कहाँ अप्लाई किया चिमपैन पे एनिमल होलिस्टिकली बिफोर लर्निंग टू डिफरेंशिएट दैम इन टू पार्ट्स. कॉफ्ट का प्लेड की रोल इन ब्रिंगिंग प्रिंसिपल्स टू द यूनाइटेड स्टेट अब कुछ प्रिंसिपल्स हैं ठीक है गस्टॉल साइकोलॉजी के वो पहले मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ तब आपको उसका जो थ्योरी है वो समझ में आएगा ठीक है लाइक यू कैन सी हेयर देर आर वेरियस स्ट्रॉल्टोलॉजी पहले सिमिलैरिटी लॉ ऑफ सिमिलैरिटी लॉ ऑफ गुड फिगर या प्रेगनेंस ठीक है एक एक करके समझाते हैं जैसे देख, देख रहे हैं हम लोग ठीक है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी कलर्स अलग है ठीक है साफ साफ दिख रहा है एज अ होल हम क्या देख रहे हैं हम इंडिविजुअल थोड़ी देख रहे हैं एक पॉइंट एक पॉइंट हम क्या देख रहे हैं ऊपर वाले का कलर अलग है नीचे वाले का कलर अलग है तो हम सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग कर देते हैं गुड फिगर अगर गोले 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 हैं ठीक है थीके? वो एक साथ है तो हम उसको एज अ होल देखेंगे ना कि अच्छा ये तो कुछ साइन बन रहा है ये इंटरकनेक्टेड है या एट्स अ गुड फिगर प्रॉक्सिमिटी पास पास वाले ठीक है हम साफ साफ दिख रहा है प्रॉक्सिमिटी का जो एग्जाम्पल है जितना पास होगा ठीक है प्रॉक्सिमल होगा हम उस फिगर को वैसे ही देखेंगे कंटिन्यूटी डेस्टोल साइकोलॉजी क्या होता है कि हमारा जो माइंड का एलिमेंट है वो ऐसे देखता है कि एक कर्व में या एक लाइन में एक सीरीज से सीक्वेंस में हमारा कुछ चल रहा दिख रहा है फॉर एग्जाम्पल ये जो बुंदी 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 ठीक है जो डॉट 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 है ये ऐसा लग रहा है कि एक लाइन में एक कर्म है ठीक है एक सीरीज में एक पैटर्न में चल रहा है मतलब ये कॉन्टीन्यूटी फॉलो कर रहा है भले ये डिस्क्रीटली दिया गया हो ठीक है लेकिन हम इसे कैसे देख रहे हैं कंटिन्यूटी से सो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ठीक है फिर लॉ ऑफ क्लोज पास चीज़ें जितनी पास होगी हम उसको एज अ होल देखने की कोशिश करेंगे भले ही ये जो चार साइंस है ग्रेटर डैन वाला ठीक है स्मॉलर वाले जितने भी साइंस है ये भले ही अलग रखे गए हों लेकिन हमें क्या दिख रहा है कि अच्छा ये तो कुछ पहले प्रोग्राम बन रहा है या कुछ अलग सा कुछ एज अ होल फिगर बन रहा है ठीक है सो डेट इज व्हाट लॉ ऑफ क्लोजर वैसे ही लॉ द लॉ ऑफ कॉमन रीजन ठीक है अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं प्रेगनेंसी में क्या था दिस फाउंडेशनल प्रिंसिपल स्टेट्स That we naturally perceive things in their simplest form or the organization. Similarity. This principle, this Gestalt principle suggests that we naturally group similar items together. Based on the elements of like color, size, orientation. An example would be grouping dogs based on the whether they are small or large or if they are big or small. Proximity. The principle of proximity states that the objects near to each other tend to be viewed as a group. अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द गेस्टॉल्ट प्रिंसिपल वी गेस्टोल्ड एलिमेंट्स अरेंज ऑन अ अ लाइन और कर्व एज रिलेटेड टू ईच अदर जो हमने अभी कॉन्टीन्यूटी वाला देखा था जो लाइन जा रही थी ठीक है सीक्वेंस में डॉट डॉट बाई द एलिमेंट्स डेट आर नॉट इन लाइन एट एज एंसर सेपरेट क्लोजर द लॉ ऑफ क्लोजर में क्या था दिस सजेस्टेड डेट द एलिमेंट्स डेट फॉर्म अ Closed object will be perceived as a group. We will even fill in missing information to create closure and make sense of an object. An example of this gestalt psychology principle is using negative space to give the illusion. दैट अ पर्टिकुलर शेप एग्जिस्ट वेन इट दजन कॉमन रीजन क्या है इसका द गेस्टोल्ड साइकोलॉजी इन प्रिंसिपल दैट वी टेंड टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स ठीक है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टूगेदर इफ दे आर लोकेटेड इन द सेम एरिया फॉर एग्जाम्पल अगर एक बॉक्स में एक बड़े से बॉक्स में या एक ऑब्जेक्ट में बॉक्स रखा है ठीक है या बॉक्स में कुछ चीजें रखी इसका मतलब कि वो एक है दूसरे में वो दूसरी है ठीक है फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स इन साइड अ बॉक्स टेन टू बी कंसिडर एज अ ग्रुप अच्छा अब गेस्टोल्ट साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस क्या है इसका ठीक है गेस्टोल्ट साइकोलॉजी हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हाउ वी स्टडी परसेप्शन एंड सेंसेशन हम कैसे पढ़ते हैं ठीक है उसको इन्फ्लुएंस किया है इसकी बातें की हैं ठीक है इट ऑल्सो इंक्रीजेज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ कॉग्निटिव प्रोसेस इन्फ्लुएंस द वे वी है बिहेव सोशली गेस्टोल्ट साइको गेस्ट्रोल की जो थेरेपी है ठीक है ये बहुत हेल्प करती है क्यों क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन द हाइड ओवरऑल परसेप्शन डिपेंड्स ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन मैनी फैक्टर्स अमॉन्ग दिज फैक्टर्स आर आवर लाइफ आवर पासपीरियंसिस करेंट इन्वॉर्मेंट हमारे थाट्स क्या है फीलिंग क्या है हमारी ज़रूरतें क्या है नीड्स क्या है ठीक है गेस्ट्रॉ थेरेपी इन्वॉल्व द की कॉन्सेप्ट अस सच एज अवेयरनेस अनफिनिश्ड बिजनेस और एनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी द मेन गोल ऑफ थेरेपी क्या है ठीक है गेस्ट्रॉल थेरेपी क्या है कि प्रेजेंट के ऊपर फोकस करो ठीक है क्योंकि यही हमारी अभी हेल्प करेगा और एज अ होल खुद को देखने के लिए सिर्फ पास कॉन्टेक्ट पे जाओ वाइल द पास्ट कॉन्टेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर व्यूइंग यूर्सल एज अ होल अ गेस्ट्रॉल थेरेपिस्ट विल एनकरेज यू टू कीप योर फोकस ऑन प्रेजेंट एक्सपीरियंसेज रिसर्च सजेस्ट द गेस्ट्रॉल थेरेपी इज इफेक्टिव एट द ट्रीटिंग सिमटम्स ऑफ डिप्रेशन एंड एनजाइटी एंड इट मे एंड इट मे हेल्प पीपल गेन कॉन्फिडेंस एंड इंक्रीज फीलिंग ऑफ सेल्फ एफिकेसी एंड सेल्फ काइंडनेस इट इज़ ऑफन अ हेल्पफुल वे टू स्ट्रक्चर ग्रुप थेरेपी ओके अब कोहलर ने एक इसमें गेस्ट में, में काफ़ी बड़ा और फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था ठीक है जो इन्होंने लर्निंग की थ्योरी दी थी इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी इसमें क्या हुआ था इन लर्निंग थ्योरी इमीडिएट एंड क्लियर लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दैट टेक प्लेस विदाउट ओवर ट्रायल एंड एवर ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग ट्रायल एंड एरर टेस्टिंग किसने दिया था चलो ये ट्रायल एंड एरर वाला जो था थ्योरी किसने दी थी कमेंट में करके बताओ ठीक है कमेंट करो आंसर इनसाइट अकर्स इन ह्यूमन लर्निंग व्हेन पीपल रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप और टू मेक नॉवल एसोसिएशन बिटवीन ऑब्जेक्ट और द एक्शन दैट कैन हेल्प देन सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम्स ठीक है पहले जो जिन्होंने ट्रायल है एरर दिया था उन्होंने क्या बोला था अच्छा किसने दिया था पहले कॉमेंट करो जल्दी ठीक है गूगल करके लिखो या कैसे भी करके लिखो पर लिखो आपको इसी बार में याद हो जाएगा इंपॉर्टेंट है ठीक है उन्होंने क्या बोला था कि कोई भी चीज़ लर्निंग सीखने के लिए हम ट्रायल करते हैं हारते हैं फिर ट्रायल करते हैं फिर हारते हैं जब हमें पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे होता है तब हम वो लर्निंग लर्न कर लेते हैं वो चीज़ हमें लर्न हो जाती है वो बिहेवियर ठीक है इन्होंने क्या था कहा था कि नहीं ऐसा नहीं है ठीक है इनसाइटफुल अकर्स इन ह्यूमन लर्निंग वैन पीपल रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप जब वो अचानक से उनको इमीडियट एक्सपीरियंस इमीडिएट एक लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग होती है और वे रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा मुझे अगर ये बॉटल उठाना है ना तो मुझे अपना हाथ ऐसे करना होगा और ऐसे करके उठाना होगा ठीक है वैन पीपल रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप ठीक है दैट कैन हेल्प देम टू सॉल्व अ न्यू प्रॉब्लम्स मच ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज कंसर्निंग इन साइड्स डिराइव फ्रॉम डिराइव फ्रॉम द वर्क ऑन एनिमल साइकोलॉजी ठीक है एनिमल बिहेवियर डेट कंडक्टेड बाई ट्वेंटी सेंचुरी जर्मन गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट वोल्फगैंग कोहलर ठीक है इन वन एक्सपेरिमेंट कोहलर प्लेस्ड अ बनाना आउटसाइड द केज ठीक है ऑफ अ हंगरी चिंपांजी हंगरी चिंपांजी था ठीक है, है उसने लिया उन्होंने क्या किया कि एक भूखा ठीक है चिंपांजी लिया और उसके बाहर उसके केज के बाहर क्या डाल दिया बनाना डाल दिए ठीक है खाना डाल दिया सुल्तान एंड गिव द एनिमल टू स्टिक्स अब उन्होंने दो स्टिक दिया कुछ और भी चीज़ें दी ठीक है ईच टू शॉर्ट फॉर पुलिंग इन द पुलिंग इन द फूड बट जो एन एबल टू मेक अ सिंगल स्टिक ऑफ सफिशियंट लेंथ सुल्तान ट्राइड अनसक्सेसफुली टू यूज ईच स्टिक एंड ही इवन यूज वन स्टिक टू टू पुट द Other along to touch the banana. Later, apparently after having given up, Sultan accidentally joined the sticks and observed and observed that the result. An immediate ran with the longer tool to dip to retrieve the banana. When the experiment was repeated, Sultan joined the two sticks and solved the problem in, immediately. This result that, however, it is ambiguous because it appeared that Sultan solved the problem by accident, nor through the insight. जैसे कि इन्होंने कहा एक चिमजी को लिया और एक बनाना उनसे बाहर डाल दिया ठीक है उससे दूर अब वो वहां तक पहुंचे कैसे ठीक है पहुंचे कैसे तो तो उसने दिमाग लगाया उसको दो स्टिक दी थी ठीक है कि देखते हैं इसका कैसे ये हेल्प लेता है अब दो अलग अलग स्टिक थी अब सीधी सी बात है कोई ह्यूमन होगा उसमें दिमाग होगा वो साफ साफ उससे पता चल रहा है कि अच्छा उस दो स्टिक को कुछ भी बांध के इस्तेमाल करके वो बड़ा हो जाएगा और वो आसानी से वो पा सकता है वो बनाना लेकिन वो ट्राई कर रहा है आसपास की चीज़ें देख रहा है एक स्टिक से ट्राई कर रहा है कभी कुछ कर रहा है ठीक है इमिडिएट उसको आया कि ठीक है अब मैं ना ये जो दोनों जो लकड़ियाँ हैं ठीक है थीके, दोनों जो स्टिक है इसको ज्वाइन करके अब मैं इससे खेलता हूँ ठीक है मतलब इससे खेलता हूँ नहीं मतलब इससे मारता हूँ या इससे लेने की कोशिश करता हूँ बनाना और वो हो जाता है वैसे ही अब इसको दूसरी बार दिया गया तो इसने ज़्यादा ट्रायल वायल नहीं किया डायरेक्ट उसने जो दोनों स्टिक थे उसको दोबारा ज्वाइन किया और बनाने को ग्रैप कर लिया ठीक है थेके? अब फिलहाल जो इन्होंने जो इन्होंने अपोज किया ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी आएगा स्ट्रॉल साइकोलॉजी ओके ऐसे तो ये बोल रहे हैं कि ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं है ये इन लर्निंग है बट इन लर्निंग कैसे हुआ उसने भी तो ट्रायल किया ना इसलिए ये एम्बिगुअस रिज़ल्ट ही है और तभी वो इस ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड ऑफ गेस्ट साइकोलॉजी आई होप कि ये शॉर्ट एंड क्रिस वीडियो आपको समझ में अच्छे से आया हो ठीक है सो कीप स्टडिंग और काफ़ी सारे वीडियोज़ ऑलरेडी बन चुके हैं आप डिस्क्रिप्शन में जाइए पहला लिंक खोलिए वो थेरोटिकल अप्रोचेस में सारे साइकोलॉजीज के बायोग्राफीज हैं लॉन्ग विद द डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग प्लीज़ डू लाइक कमेंट ठीक है बाय